ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार को जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि प्रदेश अराजकता के दौरे से गुजर रहा है। यहाँ न कोई सुनने वाला है, न कोई देखने वाला और न ही कोई जनता की पीड़ा को समझने वाला है। मैडम राजे ने कहा कि जिस प्रदेश को हम विकास की राह पर लाए थे, न उसे अब कोई तरक्की की राह पर ले जाने वाला है। जो प्रदेश हमारे समय शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, विद्युत और जल संरक्षण में देश भर में आगे था, वह आज अपराध, महिला उत्पीड़न, दलित अत्याचार, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक उन्माद में पहले नंबर पर है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए मैडम राजे ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग कुर्सी की चिंता में जनता की चिंता भूल गए हैं। आपको बता दें, रविवार को जयपुर में आयोजित हुए अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा प्रतिभावना छात्र छात्रा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शिरकत की। इस दौरान युवाओं में मैडम राजे को देखने सुनने का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों युवाओं ने लगातार कहो दिल से वसुंधरा फिर से के जमकर नारे लगाए। यहां तक कि खुद पूर्व सीएम मैडम राजे को नारे लगाने वाले युवाओं को शांत करवाना पड़ा। वहीं इस दौरान मैडम राजे के साथ सेल्फी लेने के लिए युवाओं में जबरदस्त होड़ मची रही। वहीं अपने संबोधन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए लोक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारी सरकार ने संवर्णों को आरक्षण देने के लिए विधानसभा में कानून बनाया। उसके बाद 2019 में हमारी मोदी जी की केंद्र सरकार ने पिछड़े संवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू किया, जिसके लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। मैडम राजे ने कहा कि हमारी भाजपा सरकार ने चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया में भगवान परशुराम का स्मारक बनाया। 550 करोड़ की लागत से प्रदेश के 125 मंदिरों, 110 करोड़ की लागत से 50 देवी देवताओं और महापुरुषों के स्मारक बनाए। पूर्व सीएम मैडम राजे ने आगे कहा कि जो पार्टी अच्छा काम करे उसे दोबारा अवसर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हमें दोबारा अवसर मिलता तो अधूरे काम पूरे होते और हमारा प्रदेश विकास की दृष्टि से बहुत आगे होता, जबकि आज हमारा प्रदेश पिछड़ रहा है। मैडम राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को विकास में पीछे धकेला, उन्हें अब मौका नहीं दे। आपको बता दे, कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ, जयपुर सांसद रामचरण भौरा, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा मौजूद रहे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।